युवा चढ़ेगा युवा, और सरकार के जितना मन हो, जितना अगर वो ये दिखाना चाहती है कि वो तानाशाह है। देखो भैया, ये मोदी की गवर्नमेंट है और मोदी का मतलब होता है मैन ऑफ डिस्ट्रॉइंग इंडिया, भारत को ध्वस्त करने वाला व्यक्ति, वो पूरे देश को ध्वस्त कर रहा है। जब जो है अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, तो उसके खिलाफ युवा ही खड़ा हुआ है हरदम, ये इतिहास रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। लगातार सरकार विद्यापकों को लेकर प्रहार कर रही है, जैसा कि देखा गया था जेएनयू में भी, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी और अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। तो जानेंगे आज इनकी राय। सर, आप लोग कहाँ से आए हुए और आप लोगों की मांगे क्या क्या है? मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। सर, आपका नाम बता दीजिए और जो आपकी मांगे हैं उसे भी आप बता सकते हैं कि क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम रोहित मिश्रा है और मैं 2016-17 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष रहा। अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय अनियमितताओं, अव्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा बनता चला जा रहा है। लगातार वहाँ पे पैसों को लेके घपलेबाजी हो रही है। यूजीसी और एचआरडी के रिकमेंडेशन पे वहाँ पे दो कमेटियाँ गई, दोनों कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें सीधे कहा गया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे बुरी स्थिति में है, यहाँ पे फाइनेंशियल करप्शन है, यहाँ पे एडमिशन में करप्शन है, जिस तरह के करप्शन आप सोच सकते हैं वो सब कुछ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है। बावजूद इसके आज तक उन फाइलों को केवल फाइल बना के रख दिया गया, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहाँ का सबसे पुराना ऐतिहासिक छात्र संघ बंद कर दिया गया। छात्रों ने शायद आज़ाद भारत का सबसे बड़ा विरोध किया कि एक भी नॉमिनेशन लास्ट टाइम वहाँ बचा ही नहीं। तो अच्छा, साथ ही साथ देखिए लगातार जो सरकार है, इससे पहले जेएनयू बंद करने का प्रयास किया और साथ ही साथ बच्चों के ऊपर भी प्रहार किए, डीयू के छात्रों के ऊपर भी परेशानियाँ काफ़ी लगातार चल रही हैं और अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर भी हो रहा है। क्या लग रहा है, सरकार क्या विद्या बंद कर विद्या को ही नहीं देना चाहती छात्रों को, या फिर शिक्षकों को, जो शिक्षक हैं वहाँ के, आपने जैसा बताया उनके ऊपर भी वो जैसे भी मनमानी कर रहे हैं, लगातार उनका जिस तरीके से नौकरियां दी जा रही, क्या लग रहा है सरकार क्या शिक्षा के खिलाफ ही खड़ी हो चुकी है? नहीं, ऐसा कुछ मेरा मानना व्यक्तिगत नहीं है कि शिक्षा के खिलाफ कोई सरकार होने की हैसियत भी नहीं रखती। जिस दिन खुद की अपनी कब्र किसी को खोदना हो वो काम होता है शिक्षा पे प्रहार करना। तो इतना दम किसी में है नहीं कि वो शिक्षा संस्थानों को बंद करे, और वो संस्थान जो शायद भारत की पहचान हुआ करते हैं उन्हें बंद करने का सामर्थ्य किसी सरकार में नहीं है। तो हाँ, ये जरूर है, मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ कि अव्यवस्थाओं का ये जो गढ़ बनता जा रहा है इस पर कार्यवाही न करना ये निंदनीय है और ये प्रश्न लगाता है सरकार की इच्छा शक्ति पर। अच्छा, सरकार की जैसे कि बोला जाता है कि पढ़ेगा देश तभी तो बढ़ेगा देश, तो क्या लग रहा है, पढ़ रहा है देश और बढ़ रहा है देश? बिल्कुल, देश हरदम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत चलता है। ऐसा नहीं है कि एक झटके में पढ़ेगा और एक झटके में बढ़ जाएगा। लगातार देश पढ़ रहा है, युवा पढ़ रहा है, और वो युवा ही है जहाँ जो यहाँ पे आपको हजारों की संख्या में दिख रहा है, वो विरोध प्रदर्शन भी युवा ही करता है और एकदम उसके साथ बढ़ेगा युवा, चढ़ेगा युवा, और सरकार के जितना मन हो, जितना अगर वो ये दिखाना चाहती है कि वो तानाशाह है, तो उसके खिलाफ युवा ही खड़ा हुआ है हरदम, ये इतिहास रहा है। तो हम भी उसके लिए बिल्कुल तैयार, तत्पर और कटिबद्ध हैं। सर, लगातार जैसे देखिए सरकारी विश्वविद्यालयों के ऊपर प्रहार हो रहा है, कहीं फीस को लेके तो कहीं अध्यापकों को लेके, क्या लगता है आपको कि क्या अब आगे जिस हिसाब से क्या पूरे विश्वविद्यालय जो है वो प्राइवेटाइज हो जाएंगे? वर्तमान सरकार की नीति और रीति तो यही है कि जितना हो सके सरकारी फंडिंग से चलने वाले जो विश्वविद्यालय हैं उनको प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाया जाए। उसी का परिणाम है कि जगह जगह फीस वृद्धि हो रही है, जगह जगह अध्यापकों की संख्या में कमी की जा रही है, अध्यापकों की भर्ती नहीं की जा रही है। ये सारी अव्यवस्थाएँ सरकार के कारण हैं और वर्तमान सरकार उच्च शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन के लिए कटिबद्ध है। यहाँ तक कि इतनी उदासीन है कि प्राइवेटाइजेशन तो कर ही रही है, जिन विश्वविद्यालयों के कुलपति भ्रष्ट हैं उनको न जाने किन असंवैधानिक ताकतों के बल पर उनको रोक रखा है, जबकि कमेटियाँ उन्हीं की है, रिपोर्ट उन्हीं की है, उनको हटाया जाना चाहिए, सरकार हटा नहीं रही है। अच्छा, प्राइवेटाइज किया जा रहा है लगातार सारी चीज़ों को, उस पर क्या लगता है, अगर ऐसे प्राइवेटाइज किया जाएगा जो गरीब तबके के लोग हैं, गांव से आते हैं, वो क्या पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। अगर शिक्षा को इन्होंने बाजारीकरण और निजीकरण के दौर से गुजारा तो देश में दो वर्ग पर हो जाएगा,
एक ऊंचा वर्ग जो पढ़ेगा और एक नीचा वर्ग जो शिक्षा से वंचित हो जाएगा, और इसका हम पूरे मनोयोग से इसका हम विरोध करेंगे और इस देश में ऐसी शिक्षा नहीं लाने देंगे जिससे गरीब का बच्चा पढ़ न सके। अच्छा, साथ ही साथ इस समय जैसे आपके विश्वविद्यालय में प्रॉब्लम चल रही है, दिक्कतें चल रही है, उसको लेके आपको क्या लगता है कि अब आगे सही होंगी, क्या सरकार इस पे काम करेगी? देखिए, सरकार को अपना काम करना है, हमें अपना काम करना है। हम आंदोलन करेंगे, हम सरकार को इस बात के लिए बाध्य कर देंगे कि विश्वविद्यालय से भ्रष्ट तत्वों को हटाया जाए। अगर वो भ्रष्ट तत्व नहीं हटते तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, आज लगातार युवा परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, अपनी पेंशन को लेके, नौकरियों को लेके आज लोग परेशान है, और कहीं ना कहीं देखिए लगातार हर चीज़, हर इंसान अपनी मांगे उठा रहा है, चाहे वो फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे फिर वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो पेंशन के क्षेत्र में हो। तो क्या लग रहा है, अब देश आगे बढ़ रहा है, हमारा तरक्की हो रही देश की? देखो भैया, ये मोदी की गवर्नमेंट है, और मोदी का मतलब होता है मैन ऑफ डिस्ट्रॉइंग इंडिया, भारत को ध्वस्त करने वाला व्यक्ति। वह पूरे देश को ध्वस्त कर रहा है, सरकारी कंपनियों को बेच रहा है, शिक्षा को बर्बाद कर रहा है। समाज का कोई तबका नहीं है जो उससे परेशान न हो, किंतु वह केवल धर्म और राष्ट्रवाद की घुट्टी पिला करके सत्ता पर कब्जे में बना हुआ है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। अच्छा, आज जिस हिसाब से हर कॉलेजेस पे प्रॉब्लम्स आ रही है, जो DU हो गया, JNU हो गया, इलाहाबाद हो गया, क्या लगता है एक समय आ चुका है ऐसा जब सारे छात्रों को मिलजुल के एक साथ एक संगठन बनाना चाहिए और सरकार से अपनी मांगे रखनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। जब जो है लोहिया जी भी कहते थे कि जब जो है अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, और उसी क्रम में मुझे लगता है कि अगर जब हमारी संसद जो है इस प्रकार से आवारों का रूप ले ले और लोगों की आवाज़ को नहीं सुनेगा तो सड़कों पर उतरना स्वाभाविक सी बात है छात्रों का। और आज यही संपूर्ण राष्ट्र में देखने को मिल रहा है, BHU हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, दिल्ली हो। तो जब हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो स्वाभाविक सी बात है पूरे देश का छात्र एकजुट है, और वर्तमान में है भी, सारे देश का छात्र जो है राष्ट्र में अपनी सरकार से अपनी मांगों को लेकर के जिस प्रकार से सक्रियता प्रदर्शित कर रहा है, ये स्वाभाविक सी बात है कि सब लोग एकजुट होकर के आएंगे सामने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख रहे थे नेशनल इंडिया न्यूज़। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।